ये वेस्ट पॉइंट का टोस्टर ओवन है, WF4500, यानी कि WF4500। इसको मैंने तकरीबन कोई डेढ़ महीना दो महीना पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था, ख़रीदा भी तभी है मैंने। इसके साथ एक तो ये इसकी आउटलुक है, इसके अंदर जो है वो एक्चुअली ओवन की ऑप्शन भी है और ग्रिल करने की ऑप्शन भी है, और साथ ही साथ जो कन्वेक्शन ओवन होता है उसकी ऑप्शन भी है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 40 से 45 लीटर के दरमियान है। इसको मैंने बड़े साइज़ का इसलिए लिया था क्योंकि बाद में जो है ना इशू ये आना शुरू हो जाता है कि आप के पास जो है ना वो जगह कम पड़ जाती है चीज़ें रखने के लिए, और इलेक्ट्रिक ओवन जो है उसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए भी साइज़ बड़ा ले लेना बेहतर है, क्योंकि एट अ टाइम आप एक या दो ट्रेज रख के जो है ना वो काम कर सकते हैं। ये बीच में मैंने अपना प्रेस्टीज का रिलायबल ओवन थर्मामीटर रखा हुआ है, जस्ट मेक श्योर के जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड वो मौजूद है या नहीं है। सो इसमें एक नीचे ये इसकी ग्रिल है, एक पैन है, ट्रे है, और ऊपर जो है इसकी ग्रिल मौजूद है। उसके साथ मैंने अपना प्रेस्टीज का ये जो है वो ओवन थर्मामीटर लगाया हुआ है। एक इसके अंदर जो है वो दो रॉड्स ऊपर की तरफ हैं और दो रॉड्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, जो कि गर्म होती हैं एक्चुअली, और बेकिंग उसकी वजह से होती है। और यहाँ पर राइट साइड पर जो है वो फ़ैन मौजूद है, जिसके साथ कन्वेक्शन ओवन के तौर पर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये होगा। ग्लास जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है उसका डोर है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसकी 250 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ऑप्शन है मौजूद, लेकिन आप ये देख रहे होंगे मैं तकरीबन इस सेटिंग के ऊपर रखती हूँ तो जो है जो मेरा ओवन थर्मामीटर है वो मुझे 180 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर दे रहा होता है, जिसके ऊपर नॉर्मली इसको मैं केक और इस किस्म की चीज़ें, पेस्ट्रीज या फिर ब्राउनीज बेक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो चिकन या इस किस्म की और ग्रिल वगैरह करने की चीज़ें उसके लिए मैं अपना गैस ओवन यूज़ करती हूँ। ज़्यादा एफिशिएंट इस लिहाज से रहता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। सो इसके अंदर एक्चुअली आपके पास 250 डिग्री तक जाने की लिए ये टेम्परेचर की नॉब है। तकरीबन इस सेटिंग के ऊपर जो है मुझे मेरी रिक्वायर्ड ग्रिल के ऊपर 180 डिग्रीज मिलता है। ये इसका जो है वो सिलेक्शन का नॉब है, जो कि बताता है कि इसको आपने सिंपल ओवन के तौर पर यूज़ करना है या एज ग्रिल इस्तेमाल करना है, या फिर आपने इसको ग्रिलिंग प्लस कन्वेक्शन ओवन के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो कन्वेक्शन ओवन के तौर पर नहीं, मैं इसको नॉर्मली सिंपल ओवन के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे पास जो है वो तीसरी नॉब है एक्चुअली, एक हमारे पास टेम्परेचर की थी, एक ये डिसाइड करने के लिए कि सिंपल ओवन ग्रिल या ग्रिल विद कन्वेक्शन ओवन। यहाँ पर जो है वो ये चौथी ऑप्शन भी थी। ये हमारे पास सिंपल कन्वेक्शन है, ये ग्रिलिंग की ऑप्शन है, और ये चौथी ऑप्शन जो है वो ग्रिल और कन्वेक्शन दोनों को एक साथ एक्टिवेट करने की है। तीसरी नॉब जो है वो इस चीज़ के लिए है कि हमारे पास जो अभी हमने जो हीटिंग रॉड देखी थी, कुछ ऊपर थी दो और दो नीचे थी, अगर आप इसको यहाँ पर रखते हैं तो फिर ये कि वो दोनों ही ऑन नहीं होंगी। अगर यहाँ पर रखते हैं तो सिर्फ ऊपर वाली जो है वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो रॉड ऑन होगी, अगर आप ये नीचे वाली सेटिंग पर रखते हैं तो नीचे वाली सिर्फ रॉड ऑन होगी, और अगर आप इसको इस सेटिंग के ऊपर रखते हैं जिसके ऊपर नॉर्मली रख के मैं बनाती हूँ ताकि ऊपर नीचे एक जैसा रहे, तो दोनों रॉड जो हैं वो ऊपर वाला सेट और नीचे वाला सेट जो है वो दोनों जो हैं वो हीट अप होना शुरू होता है। चौथा जो हमारे पास है, ये हमारे पास टाइमर है जिसमें मैक्सिमम 120 मिनट्स तक आप लेकर जा सकते हैं, और नॉर्मली मैं जो ब्राउनीज़ या केक वगैरह बेक करती हूँ उसमें 20 से लेकर जो है वो 60 मिनट्स तक का जो है वो रेंज में ये वेरी कर रहा होता है। ये पावर की LED जी है जिसमें अगर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास रेड हो जाती है इंडिकेट करने के लिए कि इस वक्त ये काम कर रहा है। इसके साथ ये एक जो है ये कह लें कि ट्रे होल्डर आया था, जिससे आप ये जो अंदर ट्रे मौजूद है इसको निकाल बाहर कर सकते हैं जब वो गर्म होती है। अच्छा, इसके साथ जो है ना कुछ और एसेसरीज थी, इसको मैं खोल इस तरह से नहीं रही हूँ, उसको मैंने रैप करके रखा हुआ है। इसमें जो है ना वो छोटे छोटे स्क्रूज़ हैं, ये जो है ना ये कुछ राउंड दो तीन राउंड दो प्लेट्स हैं, साथ ही जो है ना वो कुछ एक टोंग है, साथ में ये जो है ऐसे ये हमारे पास 6 के करीब जो है रॉड्स हैं, दो मोटी रॉड्स हैं, और इनका बेसिकली और ये एक रोटेट करने के लिए बीच में जो है ना ये एक और सेट है। इसका खोल मैं इस तरह खोल के नहीं रखा क्योंकि इसमें ना
कुछ पतली पतली बारीक सी हैं मौजूद एलिमेंट्स जो कि सेट होने होते हैं। और ये उसके लिए है कि जैसे अगर आप कुछ रोस्ट बनाना चाह रहे हों या चरगा वगैरह बनाना चाह रहे हों तो ये आप जो है सेटिंग उसके मैनुअल के अंदर जो लिखी हुई है सारी उसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि उस केस में ये होगा कि ऊपर वाली ग्रिल आप निकाल देंगे और इसके अंदर जो है ना ये देखिए यहाँ पर ये हुक्स लगे हुए हैं जिसके और यहाँ पर ये वो रॉड है इसके ऊपर जो है ना ये वाली ग्रिल को निकाल कर आप वो जो सेटिंग अभी हमने देखी शॉपिंग बैग में पड़ी हुई है उसको एडजस्ट कर देंगे बीच में चिकन वगैरह लगा के। या अगर आपने रॉड्स जिनके ऊपर टिक्का वगैरह लगाया हो उसको अगर आप बारबेक्यू अंदर करना चाह रहे हैं ग्रिल करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। बीच में इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं कुछ जो है वो सैम्पल जो कुकिंग की मैंने मतलब जो आइटम्स बेक करके रखी हैं इसकी मदद से वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें बन जाती हैं। इसका गैस ओवन के कंपैरिजन में सबसे मेजर एडवांटेज ये होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल वो रखता है, सेंसर लगा होता है बीच में जो कि टेम्परेचर के हिसाब से जो है ना वो रॉड्स को ऑन ऑफ करता रहता है ताकि आपको जो है वो सारे टाइम तक एग्जैक्टली वही टेम्परेचर मिले जो कि आपको चाहिए होता है। गैस ओवन में ये होता है कि आपको एक तो बार बार चेक करना पड़ता है, टेम्परेचर देखते रहना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको जो है ना वो पैन को घुमाना, आगे पीछे करना, रोटेट करना, ऊपर नीचे ग्रिल पर मूव करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर बेकिंग इज़ वेरी इजी, टेम्परेचर जहाँ पर आपका रिक्वायर्ड है वहाँ पर आप अपना सिंपली जो है वो सामान रखते हैं। अगर आपने जैसे केक मोल्ड में डाला सिंपली यहाँ पर सारी सेटिंग्स की, टाइमर चलाया एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर आपको अंदाज़ा है कि यू नीड 20 मिनट्स और 60 मिनट्स उसके बाद जो है ना वो आप आराम से आकर कर सकते हैं और वो ठीक बन जाता है।